सेहत और इंडिया में रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बदलते भारत की शान। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वाद का सफर में। आज है हम दिल्ली और जयपुर के बीचों बीच बसे किले और मावे के लिए प्रसिद्ध शहर नीमराना में, चारों ओर अरावली पर्वत से घिरा, जिसे हार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल यानी सुनहरे त्रिकोण का दिल कहा जाता है। संस्कृति और विरासत से ओतप्रोत इस शहर में सैलानियों की कतार सालों भर है, तो देशी पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण से लबरेज है। यहाँ के खान पान में राजस्थानी शालीनता है, तो दूसरी ओर हरियाणा का चटपटापन भी है। जहाँ एक तरफ मावे में ब्रज की भूमि की मिठास है, तो दूसरी ओर परंपरागत खाने में दिल्ली का तीखापन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नीमराना का ये सफर। 12वीं सदी में बने इस किले पर, चौहान किले पर, जो आज एक होटल के रूप में अपनी विरासत को सहेज रहा है। खोआ, मावा, मिल्क केक और कलाकंद का शहर है नीमराना। यहाँ की मिठास में भी विरासत है। दूध से बनी सामग्री यहाँ के लोगों की पसंदीदा है। राजस्थान और हरियाणा के खान पान पर निर्मित है यहाँ का स्वाद। नीमराना की ये खास बात है कि ये सफाई के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चाक चौबंद क्षेत्र है। नीमराना के विषय में और समझने और जानने के लिए हमारे साथ है यहाँ के SDM उप जिलाधिकारी योगेश देवल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, नीमराना को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? तो नीमराना बेसिकली ग्रोइंग टाउन है और यहाँ बिल्डिंग्स हैं, आप देख रहे होंगे, पूरा सिटी लगता है। दिल्ली के 120 किलोमीटर के दायरे में होने का भी इसको फ़ायदा निरंतर मिल रहा है, तो हमारे लिए तो ये राजस्थान का दिल्ली, राजस्थान का मुंबई कह लीजिए। जी जी। और यहाँ के फोक कल्चर के बारे में, यहाँ की साज सज्जा, खान पान, उसके बारे में आपके कुछ? राजस्थान का हिस्सा होते भी नीमराना में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हरियाणा का आपने देखा होगा। ये राठ एरिया कहलाता है, यहाँ साधु संतों की भूमि भी जानते हैं। बेसिकली यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। भोजन और पहनावा काफ़ी अब तक आपको हरियाणा टच मिलेगा, राजस्थान से थोड़ा सा डिफरेंट है। कल्चरली हरियाणा की काफ़ी करीब है, राजस्थान से कम मैच करता है। साधु संतों की भूमि रही है, बाबा बालकनाथ जी, केशवनाथ जी, यहाँ नाथ आश्रमों का काफ़ी प्रभाव है। जनता भी इनकी काफ़ी सुनती है, तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और हरियाणा टच है इसमें। जी जी। और यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर क्या हो रहा है? कुछ नया बन रहा है या किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है डेवलपमेंट? बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हब है अभी इसका। सारा हमने नीमराना का सारा डेवलपमेंट इंडस्ट्री के रूप में ही कर रहे हैं। ग्रीन जोन कम है, हाँ, अरावली की जो पहाड़ियाँ वो संरक्षित हैं, उसमें किसी भी प्रकार का खनन वगैरह मना है। उसके जो दो वैलीज जो जहाँ जहाँ बनती हैं वहाँ हमने टूरिज्म जोन रखे हैं। ओके। तो मतलब
पहाड़ों को नहीं छेड़ा जा रहा है जी जी, पर्यावरण और सबको मद्देनजर रखते हुए इनको संरक्षित किया जाएगा। आप भी अभी भी जहाँ खड़ी है, ये इमारत भी धरोहर संरक्षण की बहुत अच्छी उदाहरण है। जर्जर हुई थी पर हाँ अमन सर हैं, उनके प्रयासों से 83 में इसका इसका जीर्णोद्धार किया गया है और एक धरोहर संरक्षण के रूप में एक नॉन बेनिफिट रिजोर्ट के रूप में इसे बनाया गया है। जी थैंक यू सो मच सर। किलों का शहर है अलवर और हम हैं नीमराना के किले पर। चौहानों का ये किला अपनी पूरी विरासत लिए खड़ा है। होटल में तब्दील होने के बाद भी ये अपनी ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह से बचाए है। नीमराना के किले में पहुंचते ही आपको लगता है कि आप एक टाइम मशीन में पहुंच गए हैं। विरासत से सजा सवरा ये किला आपको याद दिलाता है पिछला युग। यहाँ हर चीज करीने से रखी गई है जैसे कि उसी युग की हो। स्वच्छता हमारी आदत भी है और सोच भी। स्वच्छता हमारा सौंदर्य भी है और संस्कार भी। नीमराना की गलियां हो या फिर इस शहर की सड़कें या फिर इस किले की साफ सफाई, इस शहर की पहचान है। सदियों पहले चौहानों द्वारा बनाया गया ये किला, इसका रख रखाव बहुत ही संजीदगी से किया गया है। हालांकि अब इस किले को इस शानदार होटल का रूप दे दिया गया है। हमारे साथ है नीमराना किले के प्रबंधक विवेक शुक्ला जी। सर आपका स्वागत है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनकी किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है किले को लेकर, यहाँ पे रहन सहन को लेकर? हाँ, ऐसा है कि जब फोर्ट खुला था, जब किला खुला था, हम लोगों ने इसको होटल में कन्वर्ट किया, उस टाइम तो बहुत सारे जनरली विदेशी पर्यटक ही आते थे हिंदुस्तान में। उनको बड़ी रुचि रहती थी कि हिंदुस्तान में कोई पुराना किला है, उसको कैसे हमने कन्वर्ट करके होटल में बनाया है, या राजा किस तरह से रहते थे। किला बहुत बड़ा है, आर्किटेक्चर इसका बहुत वास्ट है, तो इसकी साफ सफाई, इसका ध्यान कैसे रख पाते हैं, मतलब कैसे मैनेज होता है ये सब? अगर आप देखें कि हम जिस रीजन में रहते हैं राजस्थान में, यहाँ धूल भरी आंधी भी बहुत चलती हैं, रेतीली मिट्टी है, तो साफ सफाई जरूर एक चैलेंज है। और फोर्ट का मेंटेनेंस भी, क्योंकि 550 साल से ज़्यादा पुराना होटल है, तो उसका मेंटेनेंस भी जब हम करते हैं उसकी, तो उसमें ध्यान रखना होता है कि उसको नई बिल्डिंग तरह से हम उसका मेंटेनेंस नहीं करते, हमेशा उन्हीं चीज़ों पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं जो कि पुराने ज़माने में होता है, उनकी रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, तब भी ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़, साफ़ सफाई हमेशा एक चैलेंज रहती है क्योंकि बहुत सारा एरिया खुला हुआ है, सो टाइम टू टाइम उसकी बहुत ज़्यादा हमको क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसके साथ कि उसका पुराना स्टाइल हमेशा मेंटेन रहे, उसको हम लोग हमेशा पेंट पॉलिश करके बिल्कुल नया जैसा ना बना दें, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलते हैं। शुक्रिया विवेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विवेक शुक्ला जी, प्रबंधक नीमराना किले के। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम में। हम हैं नीमराना के इस शाही किले में जिसने यहाँ की विरासत को संजो कर रखा हुआ है। यहाँ की अगर खान पान की बात की जाए तो जहाँ इसमें एक तरफ राजस्थान का शाहीपन है तो दूसरा ही हरियाणा का चटपटापन भी है। तो चलिए हम मिलते हैं शेफ ध्रुवागिरी जी। ध्रुवागिरी जी स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज मैम हम राजस्थान के अलवर के मशहूर गट्टा करी बनाई है, गट्टे की सब्जी जी, और यहाँ बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें, तो उसके लिए ये हमारे पास सामान सामग्री है, ये बेसन है, तो मैं बनाना शुरू करता हूँ जी।
सबसे पहले बेसन, सबसे पहले हमने बेसन ले लिया, ये डोज बनाएंगे आटे की तरह। ओके, तो हम इसको गूंथेंगे। गूंथेंगे जी। तो इस पे हम सबसे पहले देगी में डालेंगे ये मिर्च जो है, यहाँ की स्पाइस। ओके, तीखा वाला मिर्च। तीखा वाला मिर्च राजस्थान की स्पेशलिटी जी। फिर उसके बाद हम डालेंगे धनिया साबुत, ये खड़े मसाले होते हैं, थोड़ा सा सौंफ हो गई, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी येलो कलर इसके लिए, और थोड़ा सा साल्ट टू टेस्ट, ये अपनी मेथी कसूरी मेथी जो यहाँ राजस्थान में बड़ी फेमस चीज है। ये पानी के साथ गुनेंगे, उससे पहले हम थोड़ा मोम डालेंगे देसी घी का। देसी घी जी, शुद्ध देसी घी। तो हम इसको पहले मिक्स करेंगे चारों तरफ, ये घी का जो बेसन के साथ मिल जाए। अब मैं हाथ से करता हूँ इसको, इसको हमने एक बार मैश कर लिया है। तो अब हम इसको पानी के साथ गूंदेंगे, और आजकल ये जैसे शादी ब्याह में हो गया, कोई फंक्शन ओकेशन हो गई, कोई फेस्टिवल वगैरह आ गया, तो उस दिन हम इस चीज़ को बनाते हैं। छोटे छोटे दो या तीन टुकड़े कर लेते हैं। अब बॉईल करेंगे, अब इसमें पानी लगाता हूँ। पानी एक बार उबला आ जाए, फिर हमने गट्टा डाल देनी है, और पाँच दो मिनट चलने के बाद हम इसको ढक्कन लगा देते हैं, फिर वो अपनी तरफ से पक। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा दूंगा, ढक्कन लगने से जल्दी पक जाता है। अभी से इसकी खुशबू आने लगी है, एक बार इसको देख ले। इसका हमारा होना शुरू हो रहा है, तो पाँच मिनट दो मिनट और लगेंगे। एक बार देख लेंगे कि हमारी गट्टे पक गए। तो गट्टे हमारे अभी यहाँ पे अच्छे से उबल गए हैं, पक गए हैं। अब हम इसको निकालेंगे, कलर भी शानदार आ गया है। तो अब बनाना स्टार्ट करें जी। तो हमने इसमें घी डाल लिए हैं, ये सब हम अपने टेस्ट के मतलब स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। हाँ, कई लोग तेल में बनाना चाहते हैं तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जो बनती घी में ही है, घी में ही अच्छा रहता है, साइड डिशेज है। तो सबसे पहले हम मैम इसमें जीरा डालेंगे। जीरे के साथ साथ दो साबुत मिर्च डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम डालेंगे गार्लिक, लहसुन, थोड़ा लहसुन ब्राउन हो जाएगा और हमारा जीरा भी हो जाएगा। तो अब मैं डालूं मैम साबुत धनिया, और इसमें थोड़ा सा ये अगर पेस्ट बना के डालना चाहे, पेस्ट बना के भी डलता है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ थोड़ा खड़ा खड़ा रखना, नहीं तो पेस्ट अगर बिल्कुल पेस्ट बना के डालना चाहे तो ही डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जो ग्रेवी बनती है ये बिना टमाटर के बनती है, इसमें टमाटर भी डलता है? नहीं डलता, नहीं डलता, टमाटर नहीं डलता। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, जब इसकी खुशबू आने शुरू हो गई तब तो समझ लेते हैं कि पक गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, यहाँ प्याज भून रहे हैं तो हम दही के इसके लिए मसाले, ये हमने दही ले ली है। इस दही के मसाले में हम देगी मिर्च, ये मिर्च जो है लाल मिर्च,
हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। स्वाद अब इसको हम मिलाएंगे, क्योंकि इसमें मैश हो जाता है, दही भी मिल जाता है। अब ऐसे जलने जलने का भी डर रहता है इसमें, तो बेहतर है कि पहले ही सारे पहले हाँ सारे मसाले दही में मिलाएंगे। मिला दे, जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डालेंगे। अब खुशबू आना शुरू हो गया मैम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे खुशबू बहुत अच्छी अच्छी। अब हमारा प्याज रेडी हो गया है, तो हम इसमें दही डालेंगे। ये मसाले जो हमने कर रखे हैं ये इसमें हम डाल देंगे। तो प्याज हमारा रेडी है और अभी हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। चलिए मैम, अब हम एक गट्टे को काटते हैं। तो हम इसके पीस छोटे भी काट सकते हैं मैम, और थोड़ा बड़े भी कर सकते हैं। तो मैं इसका पानी थोड़ा सा इसमें डालूंगा। अब एक उबल आता है, फिर गट्टे इसमें डाल लेंगे, तो थोड़ी देर इसको पकाएं। तो अभी गट्टा मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब ये थोड़ा थिकनेस आएगा तो अपने कलर छोड़ेगी। जैसे ही ये पता लगेगा, जैसे ही घी छोड़ना शुरू कर देगा, समझ लीजिए गट्टा हमारा पका। तो मैं इसको थोड़ा ढक्कन लगा देता हूँ। अभी थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन आने लग गया, बस गाढ़ापन थिकनेस आ गया। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और हम डाल दिए धनिया, हरा धनिया। तो हमारी गट्टा करी बनके तैयार है। अब ये गरम गरम रोटी के साथ, बेसन की रोटी के साथ या फुलके के साथ, तो राइस के साथ खा सकते हैं इसको। हमारी गट्टा करी तैयार है अपने फाइनल टचेस के साथ। सबसे पहले तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी। तो फाइनली अब मैं ले रही हूँ गट्टा करी के साथ। बिल्कुल सही, वो चटपटापन और वो जो शाहीपन है वो दोनों है इसमें, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा था। तो हम धन्यवाद करते हैं शेफ दुर्गा गिरी जी का हमें इतनी लजीज डिश इतनी आसानी से सिखाने के लिए। तो आइए देखते हैं और क्या क्या है निमराना। पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए अब हम बात करते हैं अमरनाथ जी से। अमरनाथ जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारत के कई जर्जर किलों व इमारतों को जीर्णोद्धार करने का काम इन्होंने किया है। स्थापत्य कला, वास्तुकला या कहें कि पुरातत्व में इनकी करीब करीब 17 किताबें हैं। भारत के कई नामी पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। अमरनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किला, भारत के और भी कई किले, आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे आई कि उनकी जर्जर हालत से उन्हें इतना खूबसूरत आकार देना,
ये किस तरीके से आपके मन में आया? मेरी सोच है कि बहुत लोगों के मन में आता है कि हम ये करें या वो करें, पर लोग उसको स्वप्न देखते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्वप्न है हमारे नींद से उठने के बाद खुली आँखों के साथ भी उस स्वप्न को हमको देखना चाहिए और कर्म योग से पूरा करना चाहिए, यही मेरी तपस्या है। तो जब मैंने इसको खंडर में देखा तो मैंने सोचा कि इसमें अगर जान डाली जाए तो कितना अच्छा होगा, पर उस समय मुझे भी नहीं मालूम था, ये 35-36 साल हो गए, कि इसमें इतनी जान डाल पाऊँगा और यहाँ इतने लोग आएंगे और इतना मशहूर हो जाएगा ये। आपको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, राइट? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी एक फ्रेंच अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। जी, कुछ साल पहले मुझे लेजेंड द ऑनर मिला, जो कि फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। जी, इसी काम के लिए। आगे हम बात करते हैं आपकी किताबों पर। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इसके अलावा और किन किन विषयों पर किताबें लिखी हैं। आइए आइए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक तीर्थ से। मैंने एक किताब लिखी है ब्रह्मास पुष्कर, जिसमें रिसर्च करके जो सारी पुरानी तीर्थों के तीर्थ स्थान थे पुष्कर के अंदर, जो वहाँ के लोग भी नहीं जानते थे, जैसे कि वहाँ पर 52 घाट का कहते हैं, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, गुफा, ऋषि मुनि, सबकी रिसर्च करके ये बनाया। पुष्कर के अंदर 3 कोस की परिक्रमाएं हैं, 7.5 कोस की, 24 कोस की और 84 कोस की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जैसे लोग ऊँट खरीदने जाते हैं वहाँ पर, तो इसमें ऊँट खरीदने से पहले देखा जाता है कि उसकी 9 चीज़ें बड़ी होनी चाहिए और 9 चीज़ें छोटी होनी चाहिए, जैसे दांत बड़ा है तो अच्छा है, ऐसे वैसे। तो मैं आपको ये किताब दिखाना चाहता हूँ जो मैंने राष्ट्रपति जी के लिए लिखी थी, इसका नाम है डोम ओवर इंडिया, और इसके अंदर उसकी पूरी डिटेल है, मतलब इतनी बड़ी इमारत है उसको कैसे भारतीय इमारतों की शक्ल दी गई, जैसे सांची का स्तूपा है उसकी डोम वहाँ से बनाई गई। तो मैंने एक और किताब लिखी है वो कॉरपोरेट हिस्ट्री पर, ये टाटा की 100 साल के होने पर मैंने लिखी थी, जिसके लिए रतन टाटा जी ने बोला कि ऐसी किताब वैसे सारी दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है कि एक पन्ने में जैसे 1933 में भारत में क्या हो रहा था और 1933 में टाटा लोग क्या कर रहे थे, तो मतलब देश से कितने आगे थे अपनी सोच में, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अंदर 8 घंटे काम करना लेबर का, ये पहले उन्होंने शुरू किया था, उससे 20 साल बाद जाकर अमेरिका में ये हुआ। तो ये किताब मैंने उम्मीद भवन पैलेस पर लिखी है, जो जोधपुर में है, जहाँ आज भी गज सिंह जी महाराजा वहाँ रहते हैं। इसमें 340 कमरे हैं और ये बहुत शानदार महल है, ये एक अकाल पड़ने पर उन्होंने सबको रोज़गार देने के लिए ये महल बनाया था। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है और इमारतें तो हमारे से कितने और साल जिएंगी, और जिस पर्वत पर हम बैठे हैं अरावली, वो 2 अरब साल पुराना है। आप सोचिए कहाँ हम लोग 80-90 साल जिएंगे और वो 2 अरब साल कहाँ है, और ये इमारत है 550 साल। तो इसलिए हमको अपनी विरासत अपने से बहुत आगे सोच कर ठीक करनी चाहिए। किताबों में जब हम छोड़ जाएंगे, जैसे हम कुछ बातचीत करते हैं, आपको कुछ ज्ञान है, अगर उसको लिख दिया जाए तो आगे की पीढ़ियाँ भी वो सब पढ़ पाएंगी और उससे कुछ ज्ञान। इस समय भी मैं किताब पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में जब आदमी सफ़र करता है, चाहे कोई तांगे वाला हो, पान वाला हो, प्रधानमंत्री हो, कोई जिससे आप बात करते हैं, आपको कुछ खास बात कभी याद आती है तो उसको लिख दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए उसके में भारत का जो ज्ञान है ना, मतलब आम और आम आदमी नहीं, सारे भारत के लोगों से अलग अलग बातचीत करके तो मैं वो ज्ञान की बातें इकट्ठी कर रहा हूँ। शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो ये हैं अमरनाथ जी, जिनका काम सिर्फ किलों को जीर्णोद्धार करना नहीं है, बल्कि इतिहास में हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा, एक नई सोच देना है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन पुरानी इमारतों को, जिनके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं हैं,
उनको इतना खूबसूरत आकार, इतना खूबसूरत रूप देने के लिए। जिस तरह से अस्त होता हुआ सूर्य एक नई सुबह का सूचक होता है, इसी तरह से हमारे कार्यक्रम का अंत भी एक नई संस्कृति, एक नई रसोई का आगमन होता है। नीमराना की हवा में ताजगी है, संजीदगी है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली और अगल बगल के बहुत सारे शहरों से लोग सुकून के बस दो पल बिताने के लिए आ जाते हैं। आज के लिए हम विदा लेते हैं, देखते रहिए हमारा अगला कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। चिकन कोरमा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा सा चख के बताती हूँ।